आ गए जी। अभी प्रणाम तो शुरू नहीं हुआ ना। हो गया। अभी प्रणाम शुरू तो नहीं हुआ ना। हुआ है, हुआ। अभी शुरू नहीं हुआ अभी तो। हुआ है, वो टीवी पे आ नहीं रहे। आ गए हम टीवी पे। आ गए आ गए आ गए वहाँ देखे। ओ तो हमने कल क्या याद किया था कि जब भी प्रणाम शुरू होगा तो पहले पहले सलाम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सलाम। ये याद है ना सबको? तो हम फौरन करते हैं। जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, अम्मी अब्बू दादा दादी चाचा चाची नाना नानी भाई बहन छोटे बच्चे बहन भाई सब सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों शाबाश शाबाश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात तो मैंने अभी कोई की ही नहीं है तो कैसे सकते हैं? ये फिरास आज हमारे सेट में ना कोई एक बच्ची आ गई है। नहीं इसको जानते हैं? मुस्कान मुस्कान मेरी बहन मुस्कान। ये आपकी बहन? हाँ। मुस्कान जी। ये अभी कराची आई है? अभी अभी थोड़ी देर पहले। अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं तो ये सेट पे तो सेट पे तो आ जाइए। इससे पहले तो यहाँ पे नहीं आई थी है। ये कल यहाँ पे क्यों नहीं बैठी हुई थी? तोता के साथ आई है। तोता के साथ। तोता के साथ आई है मुस्कान? मुस्कान बात करती है या गुस्से में? बात करती है। ट्राई करूँ? कोशिश करूँ? जी करे ना। कोशिश करें मुस्कान से बात करने की। जी करें। उमर साहब पहले सलाम तो करो। हाँ पहले सलाम करो। अच्छा पहले। ओह सॉरी। अस्सलाम अब ठीक है। कैसे सलाम, कैसे सलाम कैसे करते हैं? वो जो पहले उमर जो उमर ने जैसे किया था ना जैसे ये शुरू में करते थे जी। यानी अभी मैं सलाम करने इसलिए मैं जल्दी जा रहा था। अभी मैं गया और वो भाग गई। ओहो अब वापस आने का चांस है? मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है। अब मुश्किल है। चले भाई सारे बच्चे अपने अपने नाम बता दें। हाँ जी हाँ जी। एक बात कान में कान में। थैंक यू वेरी मच। तालियां बजाते भाई। भाई ताली ताली तो मारते थे इनको इनको भी ऐसे। भाई जरा उमर साहब इधर तो आए, जरा मेरे पास तो आए। एक पोयम सुनते हैं जरा। पोयम फिर नाच सुनेंगे है ना। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हूँ। मैं कैसा हूँ? बहुत अच्छे हो। हमारे गिफ्ट्स के साथ देखो क्या कर रहा है वो। देखो 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 है ना। पोएम याद है जी? हाँ नहीं तो वो याद है। आप पढ़ सकते हो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पढ़ सकते हो? हाँ तेज से तेज से बोलना है। नहीं तेज से बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। उसमें याद है। तालियां तो बजाओ भाई। पापड़ खत्म हो गए? पापड़ खत्म। पोयम रैबिट रैबिट की कोई पोयम आती है? पोयम रैबिट की आती है कोई? एक बात बताऊं, कल मेरे घर पे कौन आया? मैं कल चला गया थोड़ी देर घर पे जी। घर पे कल मेरे कौन आया? शेराज। शेराज भाई घर पे आए कल मेरे भाई? हाँ हम घर पे मिले। मैंने अपनी अम्मी से मिलवाया, सबसे घर वालों से मिलवाया है ना। कल शिराज किसके घर गए थे? वसीम भाई। क्या नाम है मेरा? वसीम भाई। नाम वसीम बाला शामी। फिर से नाम बदल बदल लिया। फिर से नाम बदल फिर से नाम बदल गया वसीम भाई। बाबा बाबा बाबा। एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ की जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखा देख के डरे तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया इधर इधर। तीन मोटे हाथी झूम के चले मकड़ की जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा ये हाथियों के साथ बड़े पर्सनल हो गए वैसे बताओ मैं। अम्मा इधर आ इधर आ। चार मोटे हाथी। ये तो हाथी बढ़ते जा रहे हैं खत्म कम होंगे। और उसके बाद सारे हाथी सो गए। कोई सवाल सवाल
हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एलिफेंट है ना शिराज, एलिफेंट। वो हाथी को इशारा किया, एलिफेंट की आवाज निकाल सकते हैं? हाथी इधर है, इधर नहीं, नहीं ये हाथी, ये हाथी नहीं है, ये खरगोश, ये तो खरगोश है, ये हाथी नहीं है। लेकिन अब मैं काम करता हूँ, इन्होंने कहा ना कि वो हाथी को इशारा किया इधर आ इधर आ, अब अगर मैं ऊंट को इशारा करूं इधर आ इधर आ, और अगर वो ऊंट आ जाए फिर कैसा होगा ये बताओ? अच्छा होगा। ये बताएं बताएं, अगर मैं ऐसे इशारा करूं और एक छोटा ऊंट जिसको लामा कहते हैं वो आ जाए तो फिर कैसा हो? बताएं बताएं बताएं। दर्जे को आ रहा है। एक बड़ा ऊंट क्या होगा, कैसे होगी पोयम? एक बड़ा ऊंट अपने घर को चला, वसीम भाई ने उसको इशारा किया इधर आ इधर आ इधर आ, और ये तो लामा सच में तो नहीं आ गया कहीं? अरे शादी रमजान के सेट में ये लामा आ गया भाई, तालियां बजाएं इसके। ओह ये फार्म हाउस से आया है, और ये लामा जो है ये ऊंट की नस्ल का एक जानवर है। और क्या बात है ना, अल्लाह ताला ने कितनी अलग अलग तरह की चीजें बनाई हैं। और वैसे तो ये साउथ अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है, एक कंट्री है पीरू, पीरू उसका ये कौमी जानवर है, और ये ऊंट की ही नस्ल का है, बहुत ऊंची छलांग भी मारता है ये। तो आपने देखा कैसी कैसी, आपको पता है, आपको पता है ऊंट जो है ना, ऊंट कैमल, ऊंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैमल। क्या कहते हैं भाई? कैमल। कैमल ओके। सो ये कैमल की नस्ल का है, और जो कैमल होता है ना वो अल्लाह ताला की शान ऐसी है कि वो ना पूरा एक दिन बगैर पानी पिए गुजार सकता है, टू डेज गुजार सकता है, थ्री डेज, फोर, फाइव, सेवन डेज तक भी अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ने उसका सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो पानी एक ही वक्त में ज्यादा पी लेता है, अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है, और उसके बाद वो सेवन डेज तक भी बगैर पानी पिए रह सकता है। इस बात पे हम सब एक दफा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात है ना कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी मखलूकात बनाई हैं। तो भाई ये है लामा, और लामा को हम शान रमजान के हैं, घोड़े के वसीम भाई, तोता किधर चढ़ गया? ये तोता तो आपने बनाया ना? मैंने बनाया, मैं कैसे बना सकता हूँ तोता? पेंटिंग वाला मैं बना सकता हूँ, बाकी ये सारी चीजें तो आप सबको पता ही, अल्लाह ताला ने बनाया, शिराज को पता है। तो ये ऊंट की आवाज कैसी होती है? मैं बताता हूँ, बहुत लंबी आवाज है ये ऊंट की आवाज है, ये तो ऊंची आवाज में ऊंट बोल दिया भाई। ऊंट की आवाज कैसी होती है? ऊंट की आवाज ऐसा होता है, ये ऊंट सो रहा है भाई। लामा को हम शान रमजान के सेट में खुश आमदेद कहते हैं, और लामा को हम अभी बाय बाय कह सकते हैं, जाए ना क्या? थैंक यू लामा, थैंक यू लामा के लिए तालियां बजा दें भाई, जबरदस्त, वाह वाह वाह, ले आए भाई वसीम भाई, लामा के लिए तालियां बजा दें। हाँ, एक चैलेंज तो आप कंप्लीट कर पाएंगे भाई? चैलेंज तो हम ऐसे, ये तालियां क्या कह रहे हैं? ये तालियां कौन बजा रहे हैं? तालियां कौन बजा रहा है? ये यहाँ पे जो बैठे वो नहीं बजा रहे? यहाँ पे नहीं। फिर कौन बजा रहा है? जरा तालियां बजाएं, जरा तालियां बजाएं। हाँ वो अंकल नहीं है, स्क्रीन में से आ रहे। हाँ ओके 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 ओके, चैलेंज चैलेंज। हाँ एलिफेंट की बता सकता हूँ? लामा की तो नहीं निकाल सकता भाई, एलिफेंट की जो है ना, एलिफेंट की स्टोरी सुनाई उसकी आवाज हो सकती है। सब 3 2 1 कहें तो फिर मैं पहले आपको बताएं एलिफेंट की आवाज कैसी होती है। 3 2 1 क्या, फिर एलिफेंट की आवाज 3 2 1। कैसा? अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। कैसा कैसा? ये मुझे किस काम पे लगा रहे हो भाई? मैं मतलब क्या क्या करूं इस नशरियात में? मैं दोबारा से कैमिल कैमिल की बताएं जी। नहीं नहीं, हम 3 2 1 करके 3 2 1। कैसा भाई? ये तो ये देखिए,
आपने निकाला है क्या? देख लें देख लें। 3-2 बा हो गया 3-1 कितनी दफा? अच्छा मैंने, अब वो कह रहे तोते की आवाज कितनी आवाज, मैंने इतनी अच्छी आवाजें निकाली, मेरे लिए कोई क्लैपिंग क्यों नहीं कर रहा? भाई मैंने आवाज नहीं निकाली, एक मैं मजाक में कह रहा हूँ, वो अंकल ने मशीन से आवाज चला दी, मैंने ऐसी एक्टिंग कर दी। मैंने अंकल शेर की आवाज मुझे नहीं पता, शेर क्या वो आप गिलगित बल्तिस्तान में होता है? शेर गिलगित बल्तिस्तान में क्या होता है? पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, क्या होते हैं ना बड़े बड़े? बड़े बड़े पहाड़ कितने बड़े बड़े, जरा दिखा सकते हम? स्क्रीन में दिखाएं ना, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं शिराज, तो जरा हम गिलगित बल्त, ओ ये ऐसा होता है, ऐसे ही होता है? हाँ। ये आपका ये गिलगित बल्तिस्तान है? वाओ इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत है गिलगित बल्तिस्तान भाई, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ऐसे ही थमा कहते हैं, क्या थमा? थमा यानी पहाड़ को कहते हैं थमा? थमा पहाड़ को नहीं कहते, तो थमा इसको थमा कहते हैं जी। और पानी बहुत है, पानी बहुत है, वाह बहुत खूबसूरत है ना, जबरदस्त, वाह भाई वाह, क्या बात। घोड़े की आवाज निकाला, अरे वो अब तक हम गिलगित चले गए, ये घोड़े में फंसे हुए, घोड़े से उतरो, हम गिलगित चले गए भाई। मेरी मैं अपनी आवाज ही तो निकाल रहा हूँ मैं। आप गिलगित बल्तिस्तान में शिराज आप कहाँ रहते हैं? घांचे नाम है आपके डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है ये? ऐसे ये क्या है? वाह भाई, हम सारे पाकिस्तान के लोग, शान रमजान सबका गुलदस्ता है। आप कहाँ से हैं? आप भी अपने इलाके का नाम बताएं। डेरा इस्माइल खान, कराची, गिलगित बल्तिस्तान, सारे का सारा पाकिस्तान ही हमारा है। लेकिन अभी हाँ ओके, तो हम यहाँ से बैठे हुए गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जितने भी बहन भाई दोस्त अम्मी अबू हैं, उन सबको हम सलाम भी पेश करते हैं। बहुत अच्छे लोग, बहुत ख्याल रखने वाले लोग, बहुत मेहमान नवाज लोग, और शान रमजान के सेट की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के सारे लोगों के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें भाई, जबरदस्त। वो कोई आता है, कोई गिलगित बल्तिस्तान का कोई तराना वराना है कोई? क्या है सुनो? खड़े हो जाए, कौमी तरह कौमी तरह खड़ा हो, दिल के बल्तिस्तान दिखाएं भाई साथ साथ। पाकिस्तान साया या खुदा ये जुल जलाल, मुझे पता है मरकज़े यकीन शाह, खड़े हो गए कौमी तरह में खड़े, पाक सर जमीन का निजात, कुवते अकुवते अवा, कौम मुल्क सल्तनत, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साये खुदा जुलजलाल। ओ तालियां बजा दे भाई, मैं समझा भाई गिलगित बल्तिस्तान का तराना। क्या वो क्या होता है ऐसे भी, क्या हो ये कैसे होता है? अच्छा ट्रेनिंग, वाह भाई वाह। भाई आज हमने नात तो सुनी नहीं, कोई नात कौन सुनाएगा आज? किसकी नात सुनाओगे भाई जी? आपको कौन सी याद है? मुस्तफा जानी रहमत। कौन सा? मुस्तफा जानी रहमत। और आपको कौन सी याद है? मैं स्टोरी सुनाऊंगा। हाँ स्टोरी, चलो किसकी स्टोरी है पहले स्टोरी सुन लेते, किसकी स्टोरी है पहले स्टोरी सुनते ना, स्टोरी फिर हम दान। शेर और चूहे की कहानी। अच्छा ओके थोड़ा सिराज यहाँ बैठे। उमर आप मेरे पास आए ना, एक दफा का जिक्र है। अबू बकर साहब आप यहाँ आए, आराम से करीब आ जाना हमारे। हाँ ऐसे अबू बकर साहब इस क्लास के मॉनिटर हैं, ठीक है? जो है ना वो ना उनको आप पनिश कर रहे हैं जो बातें कर रहे हैं। हाँ एक दफा का जिक्र है, एक शेर जंगल में सो रहा था और चूहे की नजर उसी शेर पर पड़ी और चूहा शेर पर खेलने लगा, कभी उसकी पीठ पर तो कभी उसके पूंछ पर स्लाइड खाता था। ओहो अच्छा, यहाँ पे अभी स्लाइड बनी हुई है ना, ऐसे 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 स्लाइड खाता था और अचानक से शेर उठ गया और चूहे को पकड़ लिया,
तो चूहे ने कहा कि आप मुझे छोड़ दे, मैं आपके एक दिन जरूर काम आऊंगा। चूहा कैसे काम आ सकता है? चूहा इतना सोता है, शेर इतना बड़ा, काम आ ही नहीं सकता चूहा शेर की। सबक है, सबक है। कैसा सबक है? चूहा तो आ ही नहीं सकता, चूहा इतना सा होता है, शेर इतना बड़ा होता है। मैं आपके एक दिन जरूर काम आऊंगा। अच्छा, फिर तो शेर ने चूहे को छोड़ दिया और फिर दूसरे दिन शिकारी आ गए जंगल में। ठीक है, तो शेर को जाल में फंसा लिया। शेर धाड़ने लगा और फिर शेर की धाड़ चूहे ने सुन लिया और अपने शार्प टीच से काट लिया जाल को काट लिया और फिर उसी दिन से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। यानी इतने से चूहे ने इतने बड़े शेर को आजाद करा लिया। इसका मतलब हमको किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान हो या जानवर हो या कोई भी मखलूक, सबको तो अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ने सबको बनाया और सबको अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खुसूसियत दी। तो हम ये नहीं सोचेंगे ये तो इतना छोटा है, ये क्या कर सकता है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। भाई सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कहते हैं भाई, इस बात पर जबरदस्त। अबू बकर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप जरा प्लीज डेटॉल से जरा हाथ धोइए ताकि सारे बच्चों को मैसेज जाए कि जो है वो डेटॉल से हाथ धोने चाहिए। डेटॉल स्किन केयर आपको भी धोने, चलो आप जाएं अबू बकर, जरा भाई के भी धुलवाएं, आपसे तो ना सुनेंगे ना। डेटॉल स्किन केयर रखे, स्किन को सॉफ्ट मॉइस्चराइज और दे महकती खुशबू। बच्चा पार्टी की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है। मुस्तफ़ा जान रहमत तो याद है ना जी? आपने हाथ धोने उमर तो जाए, वो रस्ते में उससे डर गया अबू बकर साहब, वो जो है ना यहाँ आ जाओ, आ जाए। नहीं, ये वाला माइक है ना मेरे पास, आ जाए आ जाए। हम ये पढ़ते हैं, एक शेर पढ़ेंगे। इधर आए, इधर आए, ये तो हमें भी याद है ना जी? जी आइए। मैं पढ़ता हूँ, मकड़ता हूँ, पढ़े आराम से ऐसे। हाँ, मुस्तफा जानी रहमत लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम। भाई सुभान अल्लाह कहने के बाद सब मिलके क्या भाई, अबू बकर साहब जरा आ जाएं ताकि हम बनाएं एक सेल्फी, बनाएं मैं बच्चा पार्टी के साथ। आ जाए, बच्चा पार्टी सेल्फी बहुत जरूरी है। यहां पर आओ, आ जाओ शिराद, आ जाओ सारे, आ जाइए। 3 2 1 से जी। किसी को बताना नहीं, मिलते हैं एक छोटी से ब्रेक, हम सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय कहने, बाय बाय जा रहे। ये आप देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात, मैंने डॉक्टर साहब को छुपा दिया मैंने, ये देख रहे हैं ये सारे जो बड़े बच्चे हैं वो सोफे पे बैठे हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए ये होती है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, मैं छोटा हूँ। नहीं नहीं, आप बड़े हैं। छोटे बच्चों के लिए ये चेयर है और ये बड़े बच्चों के लिए, इसलिए आप सब इसमें बैठ गए और मैं इसमें बैठ गया। और बात यह है कि इफ्तार का वक्त होने वाला है लाहौर में। वी ऑल आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र और एहसान है, मैं बहुत हम्बली ये बात कह रहा हूँ। और उसके बाद मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग शान रमज़ान देख रहे हैं और उसको बहुत सराह रहे हैं। हमें ज़ाहिर वो सिलसिला वो आ रहा है तो हम देख रहे हैं सारी चीज़ें। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ प्लीज़ वक्त इफ्तार मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला सेहत के साथ ये सारा मामला करा दें इंशाल्लाह। और हम कोशिश करते हैं कि इसमें जितना कंस्ट्रक्टिवली इस नशरियात को आगे बढ़ा सकें वो हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लाहौर में 10 दस्तरखाने इफ्तार बिछ चुके हैं और अब से कुछ जमात बाद अहलियान लाहौर करेंगे इफ्तार, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाहौर में रोज़ा खुलने वाला है थोड़ी देर में, कराची में टाइम है अभी, लाहौर में हर शहर के लोग अपने अपने टाइम के हिसाब से रोज़ा इफ्तार करते हैं ना, तो अभी लाहौर में इफ्तार होने वाला है। हम यहाँ पर ज़रा खेल कूद में मसरूफ़ हैं, आप लोग हमें दुआओं में याद रखिए, चूँकि हमें भी एक ब्रेक के बाद फिर अपने कसीदा बुर्दा शरीफ के सेगमेंट के साथ आना है। रहमतें और बरकतों का नुज़ूल का सिलसिला जारी है, शान रमज़ान 2024 जारी है, लगाए रखिए।